है लीफ मूव एक्स 142 ब्लूटूथ हेडसेट का फुल रिव्यू करूँगा। बेसिकली मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ईयरफोन्स के रिव्यू ऑलरेडी है, एक नेक बैंड है, ईयरबड भी मैं बहुत सारा कर चुका हूँ। तो ये आज लीफ की तरफ से, आपको पता है कि लीफ एक इंडियन ब्रांड है, तो सबसे पहले ये इसकी जो प्राइसिंग अगर हम देखेंगे तो वो है 900 रुपये। तो अब 900 रुपये का इसका सबसे पहला स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि कुछ अच्छा मिला है क्या इसमें। लुक वाइज बिल्ड तो मैं बोलूँगा नॉर्मल है, मैं उसको तो इतना ही दूँगा। 25 आवर ऑफ प्ले टाइम यानी कि एक दिन का बैटरी बैकअप है। ENC सपोर्ट है, इसका मतलब है अगर आप कभी वॉक करोगे, कॉल करते हो, तो उसमें आप कॉल एक्सपीरियंस आपको काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। और ईजी है ये, तो एक्चुअली बहुत सारे लोग इसका यूज़ नहीं करते, और वही लाइट वेट दिखा दिया और क्या है। तो ये सारे चीज़ें हैं इसमें। चार्जिंग को कितना टाइम लगता है वो तो हमें अभी हमको रिव्यू में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ओवरऑल एक स्पेसिफिकेशन वाइज अभी इनकी साउंड, अगर इसकी साउंड क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो प्राइस को जस्टिफाई करता है, तो वो देखते हैं। क्योंकि इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, डेफ़िनेटली ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो साउंड क्वालिटी की तरफ देखते कि भाई क्या है, क्या दे रहा है। बहुत अच्छा इसने आउटपुट दिया है साउंड क्वालिटी के अंदर, स्मूथ साउंड क्वालिटी है यहाँ पर, तो पूरा ही अच्छा है। साउंड क्वालिटी इज़ गुड है, क्वालिटी इज़ गुड का मतलब है कि यानी कि बेस आपको वैसा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि यहाँ पर जो आउट ऑफ द वर्ल्ड टू गुड, तो मतलब ये ट्रेबल के लिए काफ़ी अच्छा है, ट्रेबल इसमें काफ़ी अच्छा इसमें मिलता है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में ये बहुत अच्छा, बिकॉज 4.3 रिव्यू एक बहुत अच्छा एक रिव्यू है। बेस इसका काफ़ी अच्छा है, यानी कि बेस को भी अच्छा रेटिंग मिल चुका है, यानी कि बेस भी इसका अच्छा है। डेफिनेटली 899 के अंदर ये एक प्रोडक्ट है जो साउंड क्वालिटी वाइज काफ़ी सही है। बैटरी के बारे में देखते तो भाई बैटरी के अंदर यहाँ पर लॉन्गर दैन की बता रहा है कि एक्सपेक्टेड इजिली 2 डेज बता रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 out of 5 बेस दिया, इसका मतलब बेस इसका काफ़ी अच्छा है, बैटरी भी अच्छा ही है, ठीक ठाक ही है। बिल्ड क्वालिटी को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बिल्ड क्वालिटी इतना खास नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगा है, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी कॉल क्वालिटी के बारे में। तो ENC सपोर्ट है, डेफिनेटली ENC सपोर्ट 900 के अंदर दिया गया है। तो अब आपको ये टेस्ट करके देखना होगा, ENC सपोर्ट अगर आपका नॉर्मली चलने के वक्त अगर अच्छा काम करता है, अगर चलने के बाद आपका कॉल में कोई ब्रेक वगैरह कुछ नहीं, तो आपको समझना है कि ENC काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आप मुझे पूछोगे इस मतलब नॉर्मली जो एयरफोन है इसके बारे में, तो मैं बोलूँगा कि ये एयरफोन एक गो टू है, अच्छा है, साउंड क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है, बैटरी भी डिसेंट है। तो वही चीज़, आप इसे परचेज़ ज़रूर कर सकते हो।